और ये देखिए हमारा पिज्जा रेडी, थिन क्रस्ट, क्रिस्पी, बहुत टेस्टी है, बहुत सारा चीज है, वेजीज है, जस्ट परफेक्ट गाइस, तो प्लीज ट्राई जरूर करिएगा। Hey guys, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग एब्सोल्यूटली फाइन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम बैक अगेन विद अनदर हेल्दी रेसिपी और आज मैं बनाने जा रही हूँ द वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट पिज्जा। Wait, what? Yes, you heard me right. The main thing about this pizza is its crust. तो जो क्रस्ट है वी विल नॉट बी मेकिंग आउट ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्लावर, नो मैदा, नो वीट, नो ईस्ट, नो शुगर, वील ओनली बी यूजिंग दीज थ्री इंग्रीडियंट्स। तो जो पहली चीज हमें चाहिए वो है, वी नीड अ कॉलीफ्लावर। एवरीबडी नोज कितना अच्छा ये वेजिटेबल फॉर वेट लॉस, एंटी एजिंग। तो जो पहली चीज हमें चाहिए वो है ये। द सेकेंड थिंग दैट वी नीड इज चीज। तो मैंने यहाँ पे लिया है मोजरेला चीज, आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं बट ट्राई करिए कि ऑर्गेनिक चीज ही यूज करें। तो मैं यहाँ पे ये दाइया ब्रांड की यूज कर रही हूँ, ये मैंने नो फ्रिल से ली है। दिस इज ग्लूटेन फ्री, सोया फ्री, डेयरी फ्री एंड द बेस्ट थिंग इज इट्स मेड आउट ऑफ चिक पीस। ये छोले से बनी हुई है सो इट्स सुपर सुपर हेल्दी। सो ट्राई करिए कि कोई ऑर्गेनिक चीज यूज करें जिससे हम अपने पिज्जा को और भी हेल्दी बना सकें। एंड द थर्ड थिंग दैट वी नीड इज दीज एग्स। We need two eggs, that's it. इन तीन चीजों की मदद से हम अपने पिज्जा का क्रस्ट बना सकते हैं। Also guys, अगर आप सोच रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, प्लीज वॉच एंड सी। एंड जो ट्रस्ट मी गाइज, जो क्रस्ट बनती है दैट इज वेरी थिन, बहुत ही क्रिस्पी है, हेल्दी है, सुपर टेस्टी एंड जितना मर्जी आप खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है वेट गेन की। तो यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड चलिए अब बनाना चालू करते हैं। मैंने कॉलीफ्लावर को अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने इसको मीडियम साइज चंक्स में ब्रेक कर लिया है जिससे ग्रेटिंग में इजी हो, और मैंने इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है जिससे सारा मॉइस्चर इसका हट जाए। तो यहां मैं इसको 5-10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। और यहां मैंने लिया है ये ग्रेटर और हमें गोभी को अच्छे से घिसना है इंटू स्मॉलर चंक्स। कोशिश करिए जितना महीन आप घिस सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। मेजरमेंट के लिए ये छोटी वाली बोल ली है तो इसके मैं दो ले रही हूँ फॉर अ मीडियम साइज पिज्जा। जितनी क्वांटिटी आप कॉलीफ्लावर की लेंगे उतना ही सेम क्वांटिटी आपको चीज का भी लेना है। तो ये मैंने दो स्मॉल बोल्स ले ली हैं इसकी, और अब मैं चीज भी उतनी ही क्वांटिटी में, मोजरेला चीज जो है मैं यूज कर रही हूँ, दिस इज ऑलरेडी श्रेडेड। अगर आप ब्रिक यूज कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से ग्रेट करके फिर यूज करिएगा। तो यहां मैंने इक्वल क्वांटिटीज में चीज भी इसमें ऐड कर दी है, दिस इज अराउंड 2 स्मॉल बोल्स एंड 2 एग्स। तो ये तीनों चीजें हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मैंने एग भी ऐड कर दिया है, दैट्स इट। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी भी आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है, सो गाइस कीप वॉचिंग, इट्स सुपर टेस्टी और बहुत इजी है। इस पे ज्यादा जोर मत लगाइएगा अदरवाइज ये मॉइस्चर छोड़ देता है। तो हल्के हल्के हाथ से ही इसको आप मिक्स करिएगा। इसमें सॉल्ट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो चीज है मोजरेला चीज वो ऑलरेडी सॉल्टेड है। इन केस आप चीज यूज कर रहे हैं जो कि सॉल्टेड नहीं है तो आप हल्का सा सॉल्ट उसमें ऐड कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। बैटर रेडी फॉर पिज्जा, अब हम तैयारी करते हैं इसको ओवन में डालने की। गाइज द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड इज द पार्चमेंट पेपर एंड दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट क्योंकि मैं इसको राउंड में कट करने की कोशिश कर रही हूं और देखिए क्या शेप कटी है। तो इसको आपको राउंड में कट करना है और इसके ऊपर फिर हम अपना स्प्रेड डालेंगे। सो गाइस मैंने पार्चमेंट पेपर को राउंड शेप में कट कर लिया है और इसको अब मैं पिज्जा ट्रे के ऊपर लगा दूंगी। ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि चीज में ऑलरेडी ऑयल रहता है। ऑल्सो गाइज वन मोर थिंग, काफी लोग कॉलीफ्लावर को ग्रेट करने के बाद फ्राइंग पैन में ड्राई रोस्ट करते हैं जिससे मॉइस्चर रिमूव हो जाए, बट दैट इज जस्ट एन एडिशनल स्टेप, सो आई बेसिकली स्किप दैट स्टेप, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एंड नाउ हमारा जो बैटर है मैं सेंटर में इसके अराउंड 3 स्पून ले लूंगी
with the help of your hand. Please make sure your hands are very well washed before you do this. और फिर हमें अच्छे से इसको बस स्प्रेड करना है. जितना पतला होगा उतना अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा. तो यहां आपको अच्छे से इसको स्प्रेड करना है इवनली सारी एजेस से. तो जितना भी बड़ा आपको पिज्जा चाहिए उस शेप का आप बना सकते हैं. अभी भी गाइस काफी मोटा है, थोड़ा एजेस पे और इसको स्प्रेड करना है. बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से. अगर आप पार्चमेंट पेपर यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली आप पिज्जा ट्रे पे रखते हैं, तो उसको रिमूव करने में काफी डिफिकल्टी आती है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू यूज अ पार्चमेंट पेपर. अवन को मैंने प्री हीट कर दिया है 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और इसको अब हम रख देंगे अवन के अंदर फॉर 15 मिनट्स टू बेक. सो गाइस जब तक पिज्जा क्रस्ट रेडी हो रहा है उसके ऊपर स्प्रेड के लिए हमें चाहिए सॉस. तो आप कोई भी पिज्जा सॉस यूज कर सकते हैं, पास्ता सॉस यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि उसमें शुगर ना हो और वो ऑर्गेनिक हो. तो मैं यूज करती हूँ ये क्लासिको ब्रांड का सॉस. दिस इज शुगर, बहुत ही कम शुगर रहता है इसमें एंड इट्स मेड आउट ऑफ टोमेटो एंड बेसिल. बहुत ही टेस्टी लगता है ये. इफ यू वॉन्ट मैं इसका लिंक भी नीचे डाल दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं. और टॉपिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मशरूम, दिस इज ऑलरेडी स्लाइस्ड. स्पिनेच लिया हुआ है, बेबी स्पिनेच, ये ऑलरेडी वॉश्ड रहता है. एंड सम बेल पेपर्स, तो बेल पेपर्स को मैं जल्दी से काट लूंगी. तो आप कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं एज पर योर चॉइस. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं यू कैन ऐड बेकन, चिकन, वॉट एवर यू वॉन्ट. चेक दिस आउट गाइज, ये वी आर हाफ वे डन. हमारा क्रस्ट अच्छे से बेक हो गया है एंड देखिए कितना थिन क्रस्ट है. And let me tell you, it's a two-step process. पहले स्टेप में हम पिज्जा का क्रस्ट बेक करते हैं, that is for 15 minutes at 450 degree Fahrenheit. और सेकेंड स्टेप जो है अभी हम इसके ऊपर सॉस स्प्रेड करेंगे along with some toppings. और अगेन हम अवन में बेक करेंगे for 10 minutes. So please remember, it's a two-step process. Adding pizza spread. और ज्यादा स्प्रेड मत करिए, पहले आप कम लीजिए और उसके बाद इफ यू फील थोड़ा आपको कम लग रहा है तभी आप ऐड करिए. एडिंग लिटिल बिट ऑफ चीज. टॉपिंग्स में थोड़ा सा स्पिनेच ऐड कर रही हूं, मशरूम्स, बेल पेपर्स, जितना हेल्दी बना सकती हूं. Second step is again we'll place this pizza in the oven for 10 minutes at the same temperature 450 degree Fahrenheit. So मैंने already preheat किया हुआ था और इसको अब मैं अंदर रख दूंगी और मिलते हैं 10 minutes के बाद. और ये देखिए हमारा pizza ready, thin crust, crispy and filled with veggies. तो यहां मैं इसको plate पे transfer करूंगी और ये देखिए कितना easily ये प्लेट्स पे निकल जाता है बिकॉज ऑफ दिस पार्चमेंट पेपर. बिल्कुल स्टिक नहीं होता है ये. और ये देखिए मैंने स्मॉल साइज पिज्जा बनाया है, कितना इजली देखिए आप कट रहा है और कितना यमी लग रहा है देखने में. और क्रस्ट भी देखिए कितना थिन क्रस्ट है, फिल्ड विद चीज. बहुत टेस्टी है, बहुत सारा चीज है, वेजीज है, जस्ट परफेक्ट गाइस. तो प्लीज ट्राई जरूर करिएगा गाइस. इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस. पहले स्टेप में आपको अच्छे से पिज्जा क्रस्ट बेक करना है फॉर 15 मिनट्स एंड उसके बाद आपको टॉपिंग्स ऐड करके अगेन 10 मिनट्स के लिए बेक करना है. सो ओवरऑल आपको 25-30 मिनट्स लग जाता है पिज्जा प्रॉपरली बेक होने में. एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स सुपर यमी. बहुत ही थिन क्रस्ट बनता है, क्रिस्पी बनता है एंड सबसे बड़ी बात है इट्स सुपर सुपर हेल्दी. सो आप प्लीज ट्राई करिएगा एंड मुझे बताइएगा हाउ योर पिज्जा टर्न्ड आउट टू बी. और आपको अब पता है क्या करना है, प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे पीपल हु आर यू नो ऑन अ वेट लॉस जर्नी या हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच टाइप ऑफ हेल्दी रेसिपीज कैन बेनिफिट. एंड आई विल सी यू सून गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट, बाय.